वस्तु पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार देखे परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, नारायण साकार हरि अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्मते हैं न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं। जब हमेशा काम धाम रहते हैं इतना तो समझ लो, माता के पेट में एक बूंद से आपकी रचना कर दी, अपने शरीर का आकलन करो, समझ में आएगा। एक बूंद से माता के पेट में हमारी रचना की है, पेट में न कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई दे रहा है, लेकिन रचना हो गई। तो रचना हार की स्थिति है कि दिखाई नहीं देता, और दिखाई भी देता है कैसे देता है, सारी बातें आपको बताई जा चुकी है, जानकारी दी जा चुकी है। हमारी तरफ देखिए, हम तो साधारण व्यक्ति हैं। जब साधारण व्यक्ति हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा नहीं है, हम कोई कथावाचक नहीं है। ये आप देख रहे हैं, हमारा आपसे धन इकट्ठा करने का कोई विचार नहीं है। 24 साल से नहीं किया तो अब क्या करेंगे। हमारा किसी सियासत से कोई लेना देना नहीं। ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा समाज में जरूरत है, दुखी है, परेशान है, निरंतर दुखों के पार टूटते रहते हैं, हमारे कर्मों से ही टूटते हैं। लेकिन आप भली भांति जानते हैं आने वाले महापुरुषों को संपूर्णता जानकारी है कि जब यहां कोई चढ़ावा नहीं, कोई दान पात्र नहीं, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात या कुछ नहीं लिया जाता है, कोई सियासत नहीं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, केवल लेना है तो मानवता से, भाईचारे से। मानवता भाईचारा अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, ये सच्ची भक्ति है। मानव को दुख देकर आप पूजा करें, आपकी पूजा सार्थक नहीं होगी। मानवता को गले लगाकर ईश्वर का स्मरण करें, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, तो आप की स्मृति में सत्य ही आएगा, फिर झूठ नहीं आएगा। छल कपट, झूठ, चालाकी, चतुराई, होशियारी, इसको हमने प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि हम डराने वाले हमें डराते हैं, हम डर जाते हैं। भय दिखाने वाले भय दिखाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। क्यों? सब परमात्मा की रचना है और परमात्मा ने हमारी रचना की है, तो हम किसी को डराते नहीं, किसी को भयभीत नहीं करते, तो मानव मानव को गले लगाते हैं, मानव मानव से प्रेम करते हैं, यही सच्ची भक्ति परमात्मा की। इससे परे कुछ भी आपको हम जानकारी दें, कई विभागों में हमने नौकरी की है,
इंटेलिजेंस ब्यूरो में की है, अदालत न्यायालय में की है। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो से 14 वर्ष बाकी थे नौकरी के, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, लाने वाले नारायण हरि थे। जब वो इस शरीर को निकाल के लाए, वही कार्य कर रहे हैं, हमारे बस की कोई बात। इसलिए हम आपको धोखा नहीं दे सकते, आप लोगों के साथ हम छल कपट नहीं कर सकते, आप लोगों से या कहीं से भी हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नहीं ले सकते। 24 वर्षों में आने वाले महापुरुषों ने सब कुछ भली भांति देख लिया है, देख भी रहे और आगे भी देखते जाएंगे। जो शैदमार लोग आ जाते हैं, उनसे बचने के लिए ये माह का प्रथम मंगलवार नियत कर दिया गया है। इसलिए भिन्न भिन्न प्रांतों में, शहरों में, कस्बों में, नगरों में, महानगरों में जो 2 दिन 3 दिन 4 दिवस 5 दिवस 10-15 जो भी है आयोजन का समय दिया जाता था, अब वो देना संभव नहीं होता। केवल दृढ़ता के तहत माह का प्रथम मंगलवार को ही आयोजन होगा, जहां भी होगा, जिन महापुरुषों का सौभाग्य होगा, जो आत्माएं सतोगी होंगी, सतो प्रधान होंगी, उन्हीं को आयोजन मिल पाता है, या हर किसी को आयोजन देना संभव नहीं। जिन महापुरुषों को जरूरत है, जिन महापुरुषों को आवश्यकता है, महावीर जब आप आएंगे, दर्शन भी होगा, ब्रह्मवाणी भी मिलेगी, लेकिन चलना आपको है। दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे, सेवा के महत्व को समझे। इन तीनों को साथ लेके चलेंगे, कर्म करेंगे तो संसार में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप ये भी जानते हैं, लोग उपदेश की बात कहते होंगे, लेकिन यहाँ तो दीक्षा की बात कहते होंगे। यहाँ खुलेआम तौर पर कह दिया गया है, साधारण शब्दों में बता दिया गया है, क्या नाम और नामी, और नाम खुलासा कर दिया गया, ओपन कर दिया गया, कान में नहीं था, छिपा के नहीं, खुलासा है, खुलासा है। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार, खुलासा है। तो आप समझ सकते हैं, हमने किसी प्रकार से चोरी नहीं की, आपको भी हम साहूकार बनाना चाहते हैं। जब आप नारायण साकार हरि परमात्मा का दीदार करें, वाणी को सुने, उसी के मुताबिक कर्म करें, सेवा ही महान बनाती है। हनुमंत लाल का नाम आता है, हनुमान जी ने निस्वार्थ सेवा की। आज जगह जगह आपको मंदिर देखेंगे, मंदिर दिखाई देते हनुमान जी के, सेवा का प्रभाव। अगर आप मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा की सेवा करते हैं, महापुरुषों को के साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए उन्हें सत्य के साथ में जगह देते हैं, आने जाने में मानवता वाला कर्म करते हैं,
यही सेवा है, इसी सेवा से आप देखेंगे आपकी समस्याओं का निदान कैसे होता है। आपको कहीं भटकने की जरूरत, अगर ऐसा ना होता तो आप लोग बिना प्रचार प्रसार के, बिना सूचना के, पर ब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, नारायण साकार हरि, नाम सुना होगा, वेदों में भी आया है, आपको किस माध्यम से सूचना आपको मिलती है आप भली भांति जानते हैं। अभी हमारे द्वारा बोला गया, अगर अपने आप नहीं आए तो आपका संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म लेके आ गया। नारायण साकार हरि परमात्मा की प्रेरणा मिलती है। पूर्व में भी दर्शाया है, संचित कर्म प्रारब्ध कर्मों से ही जीव गर्भ में आता है। आप देख रहे हैं नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। शांति से बैठ, शांति से बैठ जा, दिमाग खराब न हो जाए, भोग रहा है और ज्यादा भोगेगा। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहने, मेरे लड़की दामाद, मेरे बहन बहनोई, मेरा फार्म हाउस, मेरी कोठी, मेरे बंगले, मेरा कारखाना, मेरा मिल, चिल्ला चिल्ला के मर के चले गए, एक कतरा भी साथ नहीं, एक धेरा भी साथ नहीं ले गए। वही हाल पिताजी का हुआ, पिताजी भी यही चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे लड़की दामाद, मेरी बहू, मेरे नाते पोते, मेरी धनदौलत, मर गए चले गए, एक कतरा भी साथ नहीं ले गए। वही हाल हमारा होगा, वही हाल हमारा होगा। इसीलिए तो मीरा जी को याद करते हैं, राजघराने से टीहर भी और ससुराल भी, अगर मीरा ने ये सब कुछ जो मोह है, माया है, लोभ है, काम वासनाएं हैं, मैं मेरी अपना पराया है, इनका परित्याग किया और परमात्मा का स्मरण करते हुए अमर लोक को उनका प्रस्थान हो गया। बाकी दुनिया में आप जानते हैं, भक्त अगर कोई है दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि भक्त के पास कोई कामना होती ही नहीं है, कोई इच्छा होती नहीं है। अगर भक्त है तो किसी का ना बुरा चाहता है ना भला चाहता है। और आप समझ सकते हैं, कोई जानना भी चाहे, अगर आपकी भक्ति शुद्ध है, भक्ति की है, तो नारायण साकार हरि परमात्मा का दिव्य स्वरूप का दर्शन पल भर में हो जाता है, ज्यादा समय भक्ति से होगा। संसार भरा पड़ा हुआ है, दशरों में डूबे पड़े हैं, तो बात बनने वाली नहीं। कैसे ये महापुरुष आप लोगों का आगमन हुआ है आप समझ सकते हैं। राजस्थान में आप देखिए, मकान भी बनते हैं पत्थर से, गंदा नाला निकाला हुआ है
और पत्थरों से उसका निर्माण हुआ है। आप समझ सकते हैं उस गंदे नाले में क्या बहता है, और पत्थर गंदे नाले में लगा हुआ है, वही पत्थर उसका साथी कोठी में लगा हुआ है, रसोई में लगा हुआ है, बैठक में लगा हुआ है, वही पत्थर गंदे नाले में लगा हुआ है। अब समझे, समझने का प्रयास करें। शिल्पकार अपने दो कारीगरों को साथ लेकर अपने कारखाने जा रहा है। शिल्पी ने देखा उस नाले के दो पत्थर बाहर पड़े हुए हैं। शिल्पी ने अपने कारीगरों को इशारा किया कि दो पत्थर ये जो पड़े हुए बाहर इन्हें उठा लो। इसी तरह से जयपुर के महापुरुषों को, क्षेत्र के महापुरुषों को प्रेरणा मिली होगी कि तुम तो निकल कर नाले से सत्य के मार्ग पर आ गए, अब आयोजन कराओ। चरमन हंस परमात्मा का है, जिनको जरूरत है वो भी सत्य की शरण में आकर अपना कल्याण करा सकते हैं। सिर्फ पत्थरों को लेकर कारखाने आता है, समझने की बात है। शिल्पकार ने पत्थरों को छेनी हथौड़ी से काट काट के काट काट के काट काट के शंकर जी की मूर्ति बना के तैयार कर दी। पत्थरों को काट काट कर छान छान कर पार्वती की मूर्ति बना के तैयार कर दी। जिन्होंने अपने मंदिर का निर्माण कराया तो शंकर जी की पूजा करते हैं, पार्वती की पूजा करते हैं, आए और मूर्तियां समझ में आ गईं। शिल्पकार को पैसा दिया और मूर्ति लेके चली। जब मूर्ति लेके चले तो जनमानस है, दुनिया है, चढ़ावा चढ़ने लगा, फूल माला फेंकने लगी। मंदिर में जाकर उन मूर्तियों को रखा गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूजा शुरू हो जाती है। तो समझ सकते हो अगर वो पत्थर किसी और के हाथ लगते तो कहां जाते, शिल्पकार के हाथ लगे तो मूर्ति बनकर पूजा होना शुरू हो गई। हमें भी समझना चाहिए, हमें भी परखना चाहिए, अगर हम मोहों के हाथ लगे तो प्रणाम क्या होगा, लोभ के हाथ लगे तो प्रणाम क्या होगा, अहंकार के हाथ लगे तो प्रणाम क्या होगा, वर्गवाद के हाथ लगे तो प्रणाम क्या होगा, मैं भी अपने पराए के हाथ लगे तो अंजाम क्या होगा, और जगत में कोई किसी का साथी नहीं। अगर आप परमात्मा के हाथ लगे सत्य का साथ करते हुए, आपका भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? आप न नर है न ही नारी है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, ये समझना। बारी जब चल रही है उस समय ये चलना फिरना मानवों का काम नहीं है, इंसान का काम नहीं है, महापुरुषों का काम नहीं है, कोई और ही होते हैं। प्रथम शुरू में ही कह दिया एक एक शब्द को श्रवण करे। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार नहीं मिलता है। जब आप देख रहे हैं यहाँ कोई चढ़ावा नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ कोई भेद नहीं है,
आप देख रहे हैं, हम किसी को काला गोरा नहीं देखते, गरीब अमीर नहीं देखते।